बिहार के समस्तीपुर में सोशल मीडिया पर दिनांक 3/1/2020 को समुदाय विशेष पर अभद्र टिप्पणी की गई, जिससे धार्मिक भावना को ठेस पहुंची। कांड संख्या 5/20 दिनांक 3/1/2020 धारा 153A 253A 34 एवं 66F IC-2 IT-1 2000 दर्ज किया गया। समस्तीपुर पुलिस अधीक्षक महोदय के तत्वरित कार्रवाई करते हुए सदर अनुमंडल पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में छापामारी टीम गठित की गई, जिसमें एक पुवानी विलास प्रसाद सिंह, नागेंद्र कुमार सिंह, सिपाही गणेश कुमार, चंदन कुमार, हवलदार सुबोध यादव को शामिल किया गया और वैज्ञानिक अनुसंधान के अनुसार अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया, जिसमें अभियुक्त ने अपनी गलती स्वीकार किया है। कल हम लोग को सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ फोटोग्राफ्स मिली थी, उसको देख के ऐसा लग रहा था कि किसी व्यक्ति ने कुछ आपत्तिजनक टिप्पणियां फेसबुक पर लिखी थी और उसको उसने सर्कुलेट भी किया था, जिससे एक समुदाय विशेष की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा था। जैसे ही हम लोग को ये फोटोग्राफ मिली, तुरंत इसका हम लोग ने कॉग्निजेंस लिया और तुरंत ही हम लोग ने टाउन थाना के अंदर इसमें एक FIR दर्ज की IT Act के तहत और IPC के रेलिवेंट धाराओं के तहत। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए मैंने STPO सदर के नेतृत्व में एक टीम बना दी थी। हम लोग ने लगातार इसमें छापेमारी की और शाम तक हमने उस अभियुक्त को इसमें अरेस्ट कर लिया है। उसका हमने मोबाइल फ़ोन जब्त किया, उसके हमने जो पोस्ट थे वो भी उसमें चेक किए हैं, उसने अपना दोष स्वीकार भी कर लिया है। हम लोग इसको आज जेल भेजेंगे और हम लोग कोशिश करेंगे कि इसमें जल्दी से हम लोग डायरी लिखवा के और सारे जो वैज्ञानिक सबूत हैं इसमें वो सब हम लोग एकत्रित करके इसको जल्दी से जल्दी सजा दिलवाएं। इसके लिए सर पुलिस की तरफ से क्या मतलब संदेश होगा जो ऐसा ना करें? देखिए, इसमें संदेश हमारा बहुत ही स्पष्ट है कि समस्तीपुर साइबर सेल के द्वारा हम लोग 24 घंटे सोशल मीडिया पर निगरानी रखते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ त्योहारों के समय ही हम लोग निगरानी रखते हैं, हम लोग हमेशा किसी भी समय हमारी जो टीम है उस पर एक्टिव रहती है और इस प्रकार के जब भी कोई चीज़ आपत्तिजनक चीज़ कोई भी डालता है तो कोई भी अपराधी ये ना सोचे कि वो इन सब चीज़ों से बच सकता है, क्योंकि सोशल मीडिया पर डाली गई किसी भी चीज़ का जो सबूत है वो हमेशा मौजूद रहता है और वो हम लोग अनुसंधान में बहुत हेल्प भी करता है। तो हम लोग ने इसकी गिरफ्तारी की है, सबूत हमारे पास इसमें पुख्ता है, हम लोग सजा भी दिलाएंगे और हम लोग की जो साइबर सेल की जो टीम है वो इस प्रकार से अपनी मॉनिटरिंग करती रहेगी। तो मेरा सभी नवयुवकों से और शहर के वासियों से ये आग्रह है कि कृपया करके सोशल मीडिया पे कोई भी इस प्रकार की चीज़ होती है उसको तुरंत हम लोग को रिपोर्ट करें और सोशल मीडिया का जो इस्तेमाल है वो पॉजिटिव कामों के लिए करें, जागरूकता फैलाने के लिए करें। यदि इस प्रकार के गलत काम कोई करता है तो सबूत हमें मिल ही जाएंगे और हम लोग उसको कड़ी से सजा दिलाएंगे। लगातार चलाए जा रहे हैं, इसमें क्या कुछ उपलब्धि अब तक हुई है? देखिए, समस्तीपुर शहर में इवन पूरे ज़िले में क्राइम प्रिवेंशन की दृष्टि से हम लोग वाहन चेकिंग अभियान लगातार चला रहे हैं। इसमें हम लोग कभी दिन में कभी रात को रैंडम सेट पे रैंडम टाइम लोकेशन हम लोग वायरलेस से फ्लैश करते हैं और नाकेबंदी वहाँ 1 घंटे के लिए लगवाते हैं। तो लगभग 1 हफ्ता हो गया है हमारे इस अभियान को। इसमें लगभग हम लोग ने अभी तक 2,60,000 रुपये का जो चालान है, जिन लोग ने नया जो मोटर व्हीकल एक्ट है उसका उल्लंघन किया उसके विभिन्न धाराओं में फाइन हम लोग ने इसमें किया है। इसके अलावा हम लोग ने इसमें एक हथियार भी प्राप्त किया था, 3 गोलियां भी प्राप्त की थी और एक कुख्यात अपराधी को भी हम लोग ने अरेस्ट किया था। तो क्राइम प्रिवेंशन की दृष्टि से और शहर में फोर्स की विजिबिलिटी को और इम्प्रूव करने के लिए ये जो हमारा सिस्टम है ये लगातार चलता रहेगा। दिन में हो या रात को हो, हम लोग भी कभी कभी जाके मॉनिटर करते हैं, हमारे STPO CI भी एकदम अलर्ट रहते हैं और SHO को भी हम लोग एकदम ऑन डोज रखते हैं इसके लिए। सर, एक पशु तस्करी का क्या मामला है? कल मॉर्निंग में हम लोग को एक सूचना मिली थी कि एक ट्रक से कुछ जानवरों को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, तो तुरंत हम लोग ने थाना को इसमें अलर्ट किया था। थाना तुरंत वहाँ पे पहुँचा था, उस ट्रक को हम लोग ने सीज भी किया है और पशुओं को ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो मानक और जो रूल्स बनाए गए हैं, कैटल काफ़ी सारे रूल्स हैं, तो उनमें से किसी भी मानक का उसमें पालन नहीं हो रहा था। हमने ये भी पाया कि पशुओं को वहाँ पर चोट भी आई थी, ट्रक को पलटा हुआ भी हम लोग ने पाया। तो हम लोग ने कैटल स्मगलिंग एक्ट के तहत विभिन्न धाराओं में केस किया है, उसको जब्त भी किया है और जो इसमें ट्रक के चालक हैं, ड्राइवर हैं, सब पे हम लोग अनुसंधान पूरा करके इसमें हम लोग तुरंत अपनी कार्रवाई पूरी करेंगे। इस ड्राइव के सर, इस ड्राइव के तहत कितने लोगों पे कार्रवाई की गई? देखिए, हम लोग समस्तीपुर पुलिस में हाल के दिनों में क्राइम प्रिवेंशन की दृष्टि से अपनी स्ट्रेटजी बना के काम कर रहे हैं। हमारा ऐसा मानना है कि प्रिवेंटिव पुलिसिंग आज के डेट में बहुत ज़रूरी है और सबसे बेस्ट तरीका होता है। कल रात को भी हम लोगों ने जो हमारे केसेस में फरार अपराधी हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए एक ड्राइव रखा था। टोटल कल हम लोग ने 33 लोगों की अरेस्टिंग की है जिनको आज जेल भेजा जाएगा, जो किसी न किसी केस में फरार थे। कल के दिन में हम लोग ने टोटल 7 केसेस में कुर्की भी पूरी करवाई है। तो हमारा जो फलाफल है वो इस वजह से
काफी अच्छा है और मुझे उम्मीद है कि हम आने वाले समय में, आने वाले दिनों में अपना जो स्ट्राइक है कंटिन्यू रखेंगे और जितने भी फरार अपराधी केसेस में हैं या जिनकी कुर्की पेंडिंग है सबको हम लोग जल्दी जेल भेजेंगे, कुर्की पूरी करेंगे। हालात बिगड़े थे उस समय भी, मामला दर्ज हुए थे नगर थाना में, उस मामले में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। देखिए मैंने आज ही अपने जो हमारे जो ऑफिसर्स हैं उनके साथ एक मीटिंग रखी है, तो जिस भी केसेस के बारे में आप बता रहे हैं हम लोग उसका भी रिव्यू करेंगे और समय समय पे हम लोग इन सारे केसेस का रिव्यू करते रहते हैं और जो भी उसमें उचित कार्रवाई पेंडिंग होगी वो भी हम जल्दी पूरी करा देंगे। समस्तीपुर से आशीष कुमार की रिपोर्ट। नेशन 24 की ताज़ा खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें हमारे यूट्यूब चैनल और बने रहें हमारे न्यूज़ चैनल नेशन 24 के साथ। नमस्कार।